खडूर साहिब हलके में अकाली दल ने बढ़ाई सरगर्मी। सीएम प्रकाश सिंह बादल कर रहे हैं गांव का दौरा, आज भी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। 14 तारीख को इसी इलाके में होनी है सद्भावना रैली। कांग्रेस के रमनदीप सिंह सिक्की के इस्तीफे के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर जुटा है अकाली दल। 13 दिसंबर की बठिंडा रैली को कामयाब बनाने के लिए कैप्टन आज 6 जिलों के विधायकों के साथ करेगी बैठक। कल ही अमृतसर में कैप्टन अमरिंदर ने ऐलान किया था कि 13 दिसंबर को बठिंडा में पंजाब कांग्रेस की रैली होगी। कैप्टन ने बठिंडा रैली के लिए प्रताप सिंह बाजवा और मनप्रीत बादल को भी न्योता दिया है। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमृतसर में दरबार साहिब और दुर्गियारा मंदिर में मत्था टेका। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर मीडिया से रूबरू हुए। कैप्टन ने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर आज चुनाव हुए तो अकाली दल हार जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के वार पर अकाली दल का पलटवार। अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि प्रदेश में विकास नहीं हुआ होता तो अकालियों की रैली में भीड़ नहीं जुटती। ढींडसा ने कैप्टन पर निशाना साधते हुए कहा कि वो अपना रिकॉर्ड देखें कि उनके वक्त में कितना विकास हुआ। बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला, फरीदकोट पहुंची सीबीआई की टीम ने लिए गांव वालों के फिंगरप्रिंट्स। हिमाचल प्रदेश शीतकालीन सत्र के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बीजेपी की रैली के जवाब में कांग्रेस आज करेगी आक्रोश रैली। कल सीएम वीरभद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी ने की थी रैली। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन, तीसरे दिन भी बीजेपी ने सदन से किया वॉकआउट। पंचायती चुनाव की रोस्टर प्रक्रिया के मुद्दे पर संतोषजनक जवाब न मिलने पर हंगामा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात संसद के सेंट्रल हॉल में हुई। माना जा रहा है कि सीएम खट्टर और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच राजनीतिक समेत हरियाणा जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में अवैध केमिस्ट शॉप बंद क्यों नहीं हो रही। कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो कोर्ट को मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें। हरियाणा के फतेहाबाद में पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने सिर्फ 3 दिन में अवैध शराब तस्करी के करीब 70 मामले दर्ज किए।